हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और लेक्चर नंबर 23 है। तो इस लेक्चर में हम भाग 5 का अध्याय नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 123 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। यानी कि जब संसद अपने कार्य सत्रावसान में नहीं है, कार्यकाल में नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई ऐसी डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई ऐसा रूल्स बनाना पड़ रहा है जिसके वजह से प्रेसिडेंट को डायरेक्टली क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, वहाँ पर रूल्स बना सकता है या फिर रूल्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, नए रूल्स बना सकता है आर्टिकल नंबर 123 में। यानी कि इसकी ये पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प की पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रह जाएगा, ठीक रहे। कहने मतलब ये है, अगर कोई रूल्स है या फिर कोई लॉ है डायरेक्टली प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो इस रूल्स को दोनों सदनों में रखा जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। यानी कि अगर कोई रूल्स बना दिया गया है, ठीक है, कोई लॉ बना दिया गया है, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है, ये उसकी पावर है। जैसे कोई लॉ बना रखा है और प्रेसिडेंट चाहे तो उस लॉ को हटा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो आज इस क्लास में हमने लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिटेल से समझा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।